भारत के इन कानूनों से अब तक बेखबर होंगे आप। भारत में कुछ कानून इतने अजीब हैं कि मौजूदा समाज में वो अर्थहीन लगते हैं। इनमें से अधिकांश कानून तो अंग्रेजों के जमाने के हैं, जो अभी तक चले आ रहे हैं। 19वीं सदी के कानूनों को आज लागू करना बेहद असंगत है। इन कानूनों में सुधार की जरूरत है, मगर कभी भी इन पर विचार नहीं किया गया और आज भी भारतवासी इन अर्थहीन कानूनों को मानने पर मजबूर हैं। एक, खुदकुशी। यदि कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है तो भारतीय की धारा 309 के तहत उसे खुदकुशी में नाकाम रहने पर सजा का प्रावधान है। दो, तीसरी संतान पर जुर्माना। केरल में तीसरी संतान पर जुर्माना चीन विश्व में एकमात्र देश नहीं है जहां संतति नियमन का कड़ा कानून है, बल्कि भारत के केरल में भी ऐसा ही समान कानून है। असल में राज्य में दो संतान की नीति को सख्ती से लागू करने के लिए अभिभावकों पर तीसरी संतान के लिए 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तीन, अल्कोहल की होम डिलीवरी। दिल्ली में अल्कोहल पेय पदार्थ की होम डिलीवरी के लिए कानूनी प्रतिबंध है। आपको इसे दुकान से खरीदना होगा। हालांकि आप चाहें तो बियर और वाइन के लिए जरूर डिपार्टमेंटल स्टोर से होम डिलीवरी का ऑर्डर कर सकते हैं। चार, पेय पदार्थ को लेकर अलग अलग दौर के कानून। भारत में अल्कोहल सेवन के लिए वैध आयु सभी राज्यों में असमान है। गोवा में इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हिमाचल प्रदेश, यूपी, सिक्किम, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में यह आयु सीमा 25 वर्ष है। पाँच, यहाँ व्हीकल इंस्पेक्टर बनना है तो मजबूत दांत रखें। हालांकि आपको ताज्जुब होगा कि अच्छे मजबूत दांतों का वाहन निरीक्षक से क्या संबंध है, लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल इसी मापदंड पर यह नौकरी दी जाती है। छः, चाकू का इस्तेमाल। भारतीय सैनिक लड़ाइयों के दौरान चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नागालैंड में इसकी छूट है। वहाँ के सैनिक परंपरागत चाकू के साथ लड़ सकते हैं। सात, इंटरनेट सेंसरशिप। बड़ी तादाद में वेबसाइटों पर आपत्तिजनक तस्वीरें व सामग्री देखने की निगरानी करना सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसे में पोर्न वेबसाइट पर यूजर्स को रोकने के लिए भारत में एक इंटरनेट सेंसर का कानून है। आठ, भारतीय टेलीग्राफ हैक। हालांकि आज के दौर में टेलीग्राफ सेवाएं अप्रचलित हैं, देश में अभी भी टेलीग्राफ हैक है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1885 में पारित किया था।